वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल जाफर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मशीन लर्निंग क्या है। पिछली लर्निंग में हमने देखा था कि एआई के कितने सारे अप्लीकेशन है। वह वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देख लेना, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और साथ ही साथ फर्स्ट वन वीडियो जो मैंने अपलोड किया था, व्हाट इज़ एआई, उसे भी नहीं आपने देखा है तो उसे भी ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। मशीन लर्निंग पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्स कंप्यूटर टू लर्न एंड इम्प्रूव फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। तो इस डेफिनेशन से आपको पता चल रहा है कि मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही हिस्सा है, जहाँ पर कंप्यूटर अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं वहाँ पर अलग अलग एक्सपीरियंसेस को लेकर। तो मशीन लर्निंग को मैं एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर समझा देता हूँ। क्विक ड्रॉ, क्विक ड्रॉ में आपको एक टास्क दिया जाता है कि 20 सेकेंड में कोई भी एक पिक्चर को ड्रॉ करना है। तो इसके पीछे पूरा मशीन लर्निंग का पूरा इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपको टास्क दिया जा रहा है एक इमेज को ड्रॉ करने के लिए, जैसे ही आप कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पर मशीन लर्निंग का इस्तेमाल होता है। वहाँ पर उसके पास काफ़ी सारे इमेजेस सेव होते हैं, वो गूगल से लेता है या फिर अलग अलग जगह से इमेजेस को कलेक्ट कर कर ले लेता है। जो आपने इमेज ड्रॉ करी है वो इमेज कैसे नज़र आ रही है वो देख कर उसका आपको आंसर दे देता है। मशीन लर्निंग को और एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर समझते हैं। ईमेल में हमने देखा है वहाँ पर काफ़ी बार हमें ईमेल स्पैम है या नहीं है वो खुद ही रेकमेंड कर देता है। तो उसे कैसे पता चलता है कि ये ईमेल स्पैम है या फिर नहीं, या हमारे पास काफ़ी बार फीडबैक फॉर्म आ जाता है कि ये वाला ईमेल जो आपको आया है ये स्पैम है या नहीं। तो हम काफ़ी बार वहाँ पर क्लिक कर देते हैं ये स्पैम है या फिर नहीं है। तो उस डेटा को कलेक्ट करके वो आपको सजेस्ट करता है कि ये वाला जो ईमेल है स्पैम है और ये वाला जो ईमेल है वो स्पैम नहीं है। उसी तरीके से रिकमेंडेशन सिस्टम, म्यूजिक या फिर वीडियोस आप स्ट्रीमिंग करते हो तो वहाँ पर आपको अलग अलग रिकमेंडेशन आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक वॉच का वीडियो देख लिया तो नेक्स्ट आपको अलग अलग वॉच के रिकमेंडेशन आ जाते हैं। आपने पिछले किस तरीके से वीडियो देखे हैं उन्हीं तरीके के वीडियोस आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी मशीन लर्निंग का इस्तेमाल होता है। मशीन यहाँ पर आप डिटेक्ट करती है कि आप किस तरीके के वीडियोस देखना पसंद करते हो और किस तरीके के वीडियोस को इग्नोर कर रहे हो। तो साथ ही साथ यहाँ पर डॉक्टर्स भी मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं, पेशेंट्स के पूरे रिपोर्ट्स को एनालाइज करते हैं मशीन लर्निंग की मदद से, और उससे वहाँ पर किस तरीके का डिजीज़ हुआ है ये भी मशीन लर्निंग की मदद से फाइंड आउट किया जा रहा है। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मशीन लर्निंग काम कैसे करता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।